आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। जय श्री महाकाल, जय माँ काली। मैं आप सब लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। जैसे आप सभी लोगों ने थंबनेल और टाइटल से देख ही लिया होगा कि आज मैं आप सब लोगों को दारुणी अप्सरा की एक दिवसीय सिद्धि का विधान का अनुभव सुनाने जा रहा हूँ, जो कि हमारे एक साधक हैं उन्होंने सिद्ध किया है उस अप्सरा देवी को। ये जो अप्सरा देवी हैं, इनकी साधना हमने पिछली होली में दी थी, जहाँ पे हमारे द्वारा बताया गया था कि ये साधना 2 से 3 घंटे में होली की रात को सिद्ध होती है। तो उन्होंने इसका अनुभव हमको लिख के भेजा है और उसी का अनुभव मैं आप सभी लोगों को पढ़ के सुनाने वाला हूँ, तथा उनका चैट्स का स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा प्रूफ के तौर पे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं महोदय के अनुभव के ऊपर। तो महोदय लिखते हैं, प्रणाम आचार्य जी, आपके चरणों में बारम्बार दंडवत। आपने हमें ग्रुप में दारुणी अप्सरा सिद्धि करवाई थी और 3 घंटे में अप्सरा सिद्धि का विधान दिया था और चैलेंज के साथ कहा था कि अगर ना हुई तो बताना। मैं ग्रुप 1 में था महाराज। हम सब जितने भी थे वीसी पर आपने हमें विधि विधान लिखवा दिया था और मंत्र शक्तिपात भी किया था, जिससे शरीर में शीतलता पड़ गई थी। जैसे कि आपने बताया था, मैंने सामग्री जुटाकर अपने गाँव चला गया। आपने छत के साइड पे टेंट हाउस के कपड़े से ढककर एरिया कवर कर लिया था। मेरे गांव यूपी में है तो खेती वाली एरिया है, इसलिए शोर शराबा नहीं था। आपके दिए गए मंत्र एक अन्य चैनल के मंत्र से थोड़ा मैच खाता है, परंतु उसमें थोड़ा शब्दों का अंतर था। परंतु मैंने ठीक आपके द्वारा बताए गए उस विधि से ही किया और वो विधि पूर्णतः अलग था। जैसे आपने बताया, मैंने वैसे ही साधना शुरू की और पहले 15-20 मिनट में ही मेरा शरीर में आग जैसी लगने लगी। पूरा चेस्ट हवा से भर जा रहा था। धीरे धीरे जप करते हुए मेरे नाक से खून आने लगा। मुझे ऐसा हो रहा था, यही नहीं मेरे लिंग से भी रक्त जैसा कुछ निकल रहा था और दर्द भी हो रहा था। लगभग घंटे भर जप करने के बाद जोर जोर से बिल्ली की रोने की आवाज़ आ रही थी। सच बताऊँ तो होलिका दहन की रात ऐसा आवाज़ सुनकर मेरी हवाएं उड़ गई थी। ऊपर से मेरे घर खेतों के बीच में है। मेरे पैरों में चींटियां काटने जैसा दर्द होने लगा था। मैंने बस समय का वेट कर रहा था, जैसे तैसे समय बीते और मैं आपको ये दिखा सकूं कि मैंने अपना कार्य पूर्ण कर लिया। उस समय मैं शून्य भाव में आ गया था। सिद्धि का मुझे कुछ याद भी नहीं रहा था। मुझे बस खुद को प्रूव करना था कि मैंने ये कर दिखाया है। तभी कुछ मुझे किसी के घुंघरुओं की आवाज़ आने लगी। चारों ओर गानों की गुनगुनाहट और शांति फैल गई। लग रहा था जैसे कोई आ गया हो। उसी की गुनगुनाहट मेरे मंत्र जप में विघ्न डाल रहे थे, परंतु मैंने जप कंटिन्यू रखा। लेकिन मेरे अनुमान से कुछ ही समय बचा था और मेरे फोन पर अलार्म बज जाता। मैंने आपका कहे अनुसार 2 आवर का अलार्म लगा दिया था। धीरे से किसी ने मेरे कानों पे फुंकार मारी। मेरे बैलेंस बिगड़ गया, पर मैं स्थिर रह गया। उसने जोरदार हंसी भरी और मेरे नाभि पे अपनी उंगली लगा दी। एक पल में मेरा पूरा शरीर सीधा और स्थिर हो गया और मैं देखा कि मेरे सामने एक लड़की खड़ी थी, जो सर पर चांदी का मांग टीका जैसा कुछ पहनी हुई थी और लाल मणि उसमें जड़ी हुई थी। पंजाबी लड़कियों जैसे कुछ सलवार कमीज था, रेड और ब्लू नैनाक्स, ऐसे कि मैं बता नहीं सकता। उसने मुझे गले से लगा लिया और हमारे बीच फिर बहुत से बातें हुई, जो व्यक्तिगत रूप से मैं आपको बता दिया हूँ। उसने मुझे वादा किया कि मेरे पुकारने पर प्रतिदिन वो 2 घंटे के लिए मेरे पास आएगी। मैं उसके प्रेम में पूर्णता प्राप्त कर रहा हूँ आचार्य जी, आपका कोटि कोटि वंदन। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैंने हिम्मत करके वो साधना आपसे प्राप्त करी और पूरी श्रद्धा के साथ इस साधना को कर डाला। मैं अच्छे से अनुभव लिख नहीं पाया, उसके लिए माफ़ करिएगा, परंतु जो भी हुआ सेम टू सेम लिख दिया, आपका कोटि कोटि वंदन। तो साधकगण, आप सभी लोग देख ही सकते हैं कि किस तरह से इनको एक ही रात में हमारे द्वारा दिया गया दारुणी अप्सरा की सिद्धि प्राप्त हुई और इन्होंने अपना अनुभव भेजा है।
तो इसी प्रकार था ये जो दारुणी अप्सरा साधना था, ये हमारे टेलीग्राम पे लॉन्च किया गया था, जहाँ पे हमने बोला था कि इस साधना को अगर आप करते हैं तब आपको 2 से 3 घंटे में होली की रात्रि को सिद्धि हो जाती है। केवल केवल साल भर में एक ही दिन ये साधना की जाती है, वो है होली की रात। तो दारुणी अप्सरा का जो ये अनुभव है मैंने आप सभी लोगों को बताया, और आप सभी लोग देख ही सकते हैं इनको किस प्रकार से एक रोचक और गोपनीय प्रकार की शक्ति की सिद्धि प्राप्त हुई है। तो अवश्य आज का वीडियो अगर आप सभी लोगों को अच्छा लगता है तो अवश्य लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करके घंटी वाला बेल आइकन ऑल पे सेट कर दें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहले पहुँच जाए। साथ ही साथ अगर आप इस प्रकार के अत्यधिक रोचक साधनाओं को करना चाहते हैं और इस प्रकार की साधनाएं आप प्राप्त करके अपने जीवन को मंगलमय बनाना चाहते हैं, तो अवश्य डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उधर जाके अवश्य ज्वाइन हो जाएं और ज्वाइन होकर रहें। कारण बीच बीच में हम ऐसे ऐसे साधनाएं डालते रहते हैं जो अत्यधिक रहस्य और पूर्ण प्रभावी होती है। तो इस प्रकार का ये अनुभव रहा है, अवश्य आप सभी लोग देख ही सकते हैं। तो यही था कुछ आज का वीडियो, सभी को नमस्कार, जय श्री महाकाल, जय मां काली, मिलता हूँ सभी लोगों को और एक किसी नए वीडियो में।